दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन दबाएं जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको अपने नए कैमरे की अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूँ, जो कि 700D है कैनन का। तो मैंने लास्ट मंथ खरीदा था ये, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया था आपको अनबॉक्सिंग। कैमरे की अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर ली थी, लेकिन इस वीडियो को मैं अब बना रहा हूँ, जो इंट्रो है वो अब बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी अप डाउन होगा इसमें। सो लेट्स बिगिन। और ये मैंने YouTube मनी से ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। सो चलो अब आप अनबॉक्सिंग देखोगे। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में मेरे पास कैमरे में मैंने 38,000 का लिया है कैमरा, ऑनलाइन लिया, विजय सेल्स से लिया था। और उसके संग एक बैग, ये तो बैग मिला मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ये डिब्बा मिला जो कि मैंने अनबॉक्स कर चुका हूँ पहले, लेकिन फिर से कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बॉक्स खोला और सबसे पहले हमें मिलती है ये ट्रिबल T5i की बुकलेट, जो कि ये रेफरेंस बुक है कि कैसे कैसे कैमरा यूज़ करना है इसे रखते हैं साइड में। और फिर हमें ये CD मिलती है जो कंप्यूटर शॉप में यूज़ होगी, लेकिन एक्चुअली में मेरे कंप्यूटर में CD ड्राइव ही नहीं है, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। और एक ये वारंटी कार्ड मिलता है, इसकी 2 साल की वारंटी है, देख सकते हो मुझे फिर से लिया है। और एक ये कॉम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफी ट्रेनिंग डिटेल्स मिला है, वो मिला है मेरे को साइन अप करने के लिए, सो चलो वो भी करेंगे। ये भी मिला है मेरे को, तो फ्री कुछ कंसल्टेंसी मिली है मेरे को फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे मेरे को। ये CD वगैरह के बाद हमें ये स्ट्रैप मिलता है कैमरे में लगाने के लिए, जिससे कैमरा गिरे नहीं, ऑफकोर्स की बात है। उसके बाद हमें ये मेमोरी कार्ड मिलता है 8 GB का, कॉम्प्लीमेंट्री है ये भी। ये है सैंडिक्स का अल्ट्रा 8 GB का 40 MBPS की स्पीड वाला कार्ड, 355 रुपये का कार्ड आता है वैसे, इसमें MRP लिखी हुई है। उसके बाद हमें ये बैटरी मिलती है, देख लेते हैं। ये है, ये वाला बैटरी बैकअप है LPE8 मिलता है हमें इसमें, इसे साइड में रख देते हैं। और फिर ये चार्जर वगैरह कुछ चार्जर मिलता है, चार्जिंग डॉक है ये। सो ये है, साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये इसमें केबल आई है, ऐसी कुछ केबल है जो इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी और इसे हम फिर चार्जिंग पे लगा सकते हैं। इसके अंदर बैटरी लग जाती है ऐसे, बैटरी लग गई इसके अंदर। और फिर हमें मिलता है छोटा वाला लेंस, जो कि है हमारा 18-55 mm वाला, 18-55 mm वाला लेंस है ये, ठीक है। इसे थोड़ा संभाल के रखते हैं, अच्छी हाइट के पास आता है हमारा बड़ा वाला लेंस। खोल लेते हैं, दिखा देते हैं कैसा दिखता है ये 55-250 mm का लेंस। ये बड़ा लेंस है, ये ज़्यादा जूम मारेगा, ये बड़ा लेंस ज़्यादा जूम के लिए होता है। इसमें और इसमें कितना फर्क है देख रहे हो, ये मैक्रो शॉट्स के लिए, ये लॉन्ग शॉट्स के लिए है।
लास्ट में निकलता है हमारा ये बॉडी जो कैमरे की बॉडी है, ये है एक्चुअल कैमरे की बॉडी। चलिए अब लेंस लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूँगा कैमरा कैसा दिखता है। ये अपनी बैटरी निकाली और ये प्लग खोला इसका। मैं 8GB कार्ड की जगह अपना एक्सट्रीम यूज़ करूँगा ये वाला, ये सेंडस का एक्सट्रीम 60 MBPS का 32GB वाला कार्ड है। जब भी आप कैमरे को जोड़ रहे हो ना लेंसेज से, तो हमेशा पॉइंट्स देखिए। यहाँ पे एक वाइट पॉइंट है इधर, और इसमें एक वाइट पॉइंट है, ये दोनों अटैच होने के लिए एक दूसरे से, तब ये लेंस बैठेगा आपके पास। ऐसा करेंगे ना, क्लिक की आवाज़ आएगी तो समझिएगा आपका लेंस हो चुका है लॉक। और इसमें फ्लिप स्क्रीन है और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इसलिए मैंने ये कैमरा लिया है, इससे इजी हो फोकस मारने में, फोकस करने में। सो अब आप जो वीडियो देखो आप इस कैमरे से देखोगे। ओके सो दोस्तों, कैसी लगी अनबॉक्सिंग आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे चैनल को। और ये बताना चाह रहा था, ये कैमरा मैंने यूट्यूब मनी से ही ख़रीदा है, जो कि 38,000 का मेरे को कैमरा पड़ा है विजय सेल्स से। ये मेरे इस चैनल की अर्निंग नहीं है, मेरे दूसरे चैनल की अर्निंग है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये कुकिंग से रिलेटेड चैनल है, मेरी मॉम का चैनल है ये। सो आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं, टेक केयर, सायोनारा and goodbye. Yeah.